कड़गड़ थाना क्षेत्र स्थित प्राइवेट कंपनी के सुपरवाइजर को बेटी की गिरफ्तारी का भय दिखाकर छोड़ने के नाम पर 1,92,000 रुपए ऐंठ लिए गए। साइबर ठगों ने इसके लिए करीब 4 घंटे तक व्हाट्सएप के माध्यम से पीड़ित को अरेस्ट रखा। इसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। बाद में जब पीड़ित ने घर कॉल किया तो बेटा सकुशल था। इसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। नागफनी थाना क्षेत्र के अकबर कंपाउंडर निवासी फसाहत हुसैन कड़घर के रहमत नगर में स्थित फॉर्म हाईटेक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सुपरवाइजर हैं। फसाहत हुसैन के अनुसार 27 मार्च को उनके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल आई। कॉल रिसीव करते ही सामने वाले ने कहा कि फसाहत हुसैन बोल रहे हो। इसके बाद उसने कहा कि मैं कोतवाल बोल रहा हूँ। 4 युवकों को एक लड़की से रेप के मामले में उठाया गया है, जिसमें तुम्हारा बेटा फैज भी शामिल है। इस दौरान जालसाजों ने पीड़ित को वीडियो कॉल पर ही 3 युवक पिटते दिखाए। जब पीड़ित ने अपने बेटे से बात कराने को कहा तो आरोपियों ने किसी से बात भी नहीं कराई, तो रोते हुए एक बच्चा बोलता है, अब्बा मुझे बचा लो। बाद में आरोपियों ने बेटे को मामले से रिहा करने और दुष्कर्म पीड़िता के डीएनए टेस्ट कराने का झांसा दिया और 8 बार में कुल 1,92,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा दिए। इस दौरान करीब 4 घंटे तक आरोपी व्हाट्सएप कॉल पर उलझा कर एक तरफ से डिजिटल अरेस्ट करके रखे हुए थे। फ्री होने पर जब फसाहत हुसैन ने घर पर कॉल की तो पता चला कि बेटा घर पर सुरक्षित है और काफी देर से घर पर ही बैठा है, जिसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित के अनुसार उसी समय साइबर सेल से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगा दी, जहां से FIR के आदेश मिले। इस संबंध में SPCT रणविजय सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। साइबर सेल की मदद से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। देखिए, थाना कटघर में डिजिटल अरेस्ट जो एक तरह का साइबर क्राइम आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, उसी का एक मुकदमा परसों पंजीकृत हुआ है, जिसमें थाना नागफनी क्षेत्र के एक निवासी हैं। उन्होंने आकर के थाने पर बताया कि उनके एक पुत्र को कुछ पुलिस वालों ने, जो अपने आप को दिल्ली से बता रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और उनके साथ मारपीट की जा रही है, और उसी के नाम पे कई बार में कुल लगभग 1,92,000 रुपये उनसे ट्रांसफ़र करा लिए गए। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसके बाद जिस नंबर से कॉल्स आए हैं बाकी उनको ट्रेस किया जा रहा है, और इसमें बहुत जल्दी हम लोग इसमें अग्रिम करवाई गए। सर, कब की घटना बताई जा रही है? देखिए, घटना तो ये मार्च की है और संभवतः माननीय न्यायालय के आदेश से ये मुकदमा पंजीकृत हुआ।